ओ भाई ओ भाई ओ, ये किसका बच्चा खो गया है। यो व्हाट्सअप गेमर्स, इट्स योर बॉय एपिक, एंड गाइस आज हमारे वर्ल्ड पे अटैक कर दिया है गॉडजिला ने। एंड तुम लोगों को पता ही है किसने करवाया है? हाँ हाँ भाई, चिंदी आदमी डॉक्टर पनीर पकौड़ा लाल ने ये करवाया है। और जिन लोगों को नहीं पता वो कौन है, तो मैं उन्हें बता दूं कि हम दोनों में हमेशा दुश्मनी चलती रहती है। मैं उसकी चीजें चुराता हूं, वो मेरी चीजें चुराता है। पिछली बार उसने मेरा आयरन मैन का सूट चुरा लिया था, तो सूट तो मैंने वापस ले लिया, लेकिन साथ में मैंने उसका बेस भी जला दिया था। तो यस गाइज, आज हम लोग डिफीट करने वाले गॉडजिला को। तो इसी बात पे फटाफट वीडियो पे लाइक मार देना, एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो बहुत दिनों बाद फाइनली मैं इस विलेज में दोबारा आ ही गया। हेलो विलेजर्स, कैसे हो आप लोग? ये लोग मेरी हेल्प के बिना रह नहीं सकते ना, हमेशा इन पे कुछ ना कुछ मुसीबत आ ही जाती है। ये देखो यहाँ पे निक फ्यूरी जी बैठ के बस, अरे रुक जाओ, ये निक फ्यूरी नहीं है। ओ हेलो निक फ्यूरी, कहाँ भाग गए? अरे निक फ्यूरी कहाँ गए, मैं सीरियसली भूल चुका हूँ उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे। ओ वो शायद सामने वाला है। हेलो निक फ्यूरी सर। अरे अरे भाई ये तो भाग गए। अरे सर इतना क्या गुस्सा होना, बस थोड़े दिन के लिए ही तो मैं गया था। बात मत करो, तुम मुड़ जाओ, यूं गोली मार दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास। ये लो आलू खाओ, आलू आपका आलू फेवरेट है ना। अबे साले, तो चलो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड चलते हैं गॉडजिला से फाइट करने। लेकिन मैं कौन सा आर्मर लेके जाऊं? आयरन स्पाइडर बन सकता हूं, हल्क बन सकता हूं, आयरन मैन बन सकता हूं, लेकिन गॉडजिला के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर कौन रहेगा? उतना क्या सोचा, चुपचाप अक्कड़ बक्कड़ कर लेता हूं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। ओके तो गाइज डिसाइड कर लिया है मैंने, आज हम लोग यूज करने वाले हैं हल्क आर्मर। बस डर यह है कि वो मुझे चींटी की तरह मसल ना दे। यार ये तो नाइंसाफी है, गॉडजिला कितना बड़ा होता है, मैं कितना छोटा होता हूँ। तो ये देखो गाइज, ये बन गया मैं हल्क। मैं सीरियसली होप करता हूँ कि मैं गॉडजिला को इस आर्मर से हरा दूं। ट्राई करने के बाद पता चलेगा। अरे यार ये प्रॉब्लम कभी मेरा सॉल्व नहीं होगा, आज तक मैं इस गेट को बड़ा बनाता ही रह गया। तो चलो बाहर। ओके निक फ्यूरी जी, मैं जा रहा हूँ गॉडजिला को हराने, लेकिन 500 डायमंड रेडी रखना। देखो सुपर हीरो हूँ तो क्या मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना? अब मैं हमेशा नमक रोटी खा के तो काम नहीं चला सकता, तो 500 डायमंड तो चाहिए मुझे उसे हराने के लिए। लेकिन वेट ए सेकेंड, यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे मुझे ओ माई गॉड, ले ले मैं तो दल गया। ये देखो छुतंग किया गया मुझे, मान ले ओ मान ले मुझे। ये देखो गाइज मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ा हूँ एंड मुझे डैमेज भी नहीं हो रहा है। रुक जाओ, अभी मैं इन पिंदी लोग को चिंदी लोग में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखो भाई, इसे हराना तो बहुत ज्यादा आसान था। एंड यहाँ पे ये क्या हो रहा है? बेवकूफ लोग खुद अपने आप मर रहे हैं, लॉल। यार ये क्या देख लिया मैंने, इन लोगों ने डर के मारे सुसाइड कर लिया। ओ नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब था इन लोगों ने डर के आम हत्या कर लिया। यार प्लीज वीडियो डिमोनिटाइज मत हो जाना। तो देखने दो यहाँ पे क्या है, ये क्या है? गन पाउडर नहीं चाहिए भाई। ये देखो मैं यहाँ पे अपने हाथों से धमाका कर सकता हूँ, ये देख रहे हो? तो फिर मुझे गन पाउडर जैसे चिंदी चीजों की जरूरत नहीं। और रुक जाओ, यहाँ पे मैंने दो दो चेस्ट देखा था, यहाँ पे तो बस एक ही दिख रहा है, एक और हाँ इस साइड है, और यहाँ पे भी गन पाउडर है। चलो ब्रेड रख लेता हूँ, ये भी रख लेता हूँ, पार्टी करने में काम आएगा। तो अब बस मुझे ढूंढना है गॉडजिला को। क्या गॉडजिला इन सभी इलाकों में छुप के बैठा है ना? मुझे नहीं लगता गॉडजिला यहाँ पे अट भी पाएगा। आई एम डैम श्योर यहाँ पे उसका टांग भी नहीं फिट हो पाएगा। तो ओ भाई ये क्या देख लिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे ये बताओ ये काऊ यहाँ पे चढ़ा कैसे? ये क्या काऊ नहीं, सुपर काऊ है क्या? ये देखो यहाँ पे ओहो अपना सुपर एबिलिटीज दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे सुपर काऊ, इनाम में ये ब्रेड लो। तो इसे खाने देते हैं ब्रेड एंड हम लोग चलते हैं गॉडजिला को टपकाने। लेकिन वो मिले तो पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गया है, मतलब आई एम डैम श्योर वो छुप के तो नहीं बैठा होगा, इतना बड़ा है वो छुप के कैसे बैठेगा। लेकिन लगता है डॉक्टर पनीर पकौड़ा लाल ने कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर कर दिया है, उसे मेरे विलेज के सामने तो स्पॉन ही नहीं किया, तो फिर उसे स्पॉन करने का फायदा क्या? वो तो मेरे विलेज को कुछ डैमेज पहुंचा ही नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, दिख ही जाना चाहिए, इतना बड़ा है आखिर छुप के जाएगा कहाँ। 3000 years later गाइस ये देखो फाइनली मुझे गॉडजिला की खोपड़ी दिख गई। यस मैंने उसे हरा भी दिया, तुम लोग को पता भी नहीं चला। अरे यार मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस को थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ये तो करने दो। तो गाइज मैं मजाक कर रहा था, मैंने गॉडजिला को हराया नहीं, लेकिन ये देखो ये गॉडजिला के खोपड़ी जैसा कुछ नहीं लग रहा है। और यहाँ पे ये इकलौता नहीं, यहाँ पे ऐसे ढेर सारे पड़े हुए हैं। ये देखो दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, पता नहीं कितने सारे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक सो आई एम सो क्लोज टू गॉडजिला। ओ माई गॉड व्हाट द हेल इज दिस। ये देखो गाइस ये तो सच्ची में गॉडजिला का खोपड़ी जैसा लग रहा है। ये देखो इसके कितने नुकीले दांत है, लेकिन पता नहीं भाई इसका खोपड़ी यहाँ पे कैसे आ गया। क्या भाई ये डर के मारे हार्ट अटैक से मर भी गया क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर मेरा वीडियो कैसे बनेगा। ओ रुक जाओ
ये किसकी आवाज आ रही है? गाइज आई थिंक सो मैंने गॉडजिला को ढूंढ लिया है, लेकिन अभी बस उसकी आवाज आ रही है। अरे भाई ये कहाँ छुप गया? ओ ओ ओ ओ ओ भाई ये कितना बड़ा है, ओ माय गॉड मेरी वॉच लगने वाली है। हेलो गाइज कमेंट सेक्शन में लिख दो RIP हल्क, आई डोंट थिंक सो मैं इसे हरा भी पाऊंगा, ये देख रहे हो। हेलो सर कैसे हो आप? 150 रुपया दूंगा, प्लीज मेरा बल्ड छोड़ के चले जाओ। अरे यार इसके नजदीक जाना सेहत के लिए मुझे नहीं लगता अच्छा होगा, इसके टेल पे मारने की कोशिश करता हूँ। येलो येलो येलो, कुछ डैमेज ही नहीं हो रहा है। अरे अरे मैं तो इसके टेल के अंदर घुस गया। अरे सर कम से कम अपने खोपड़ी का तो इज्जत रखो, इस पे भी आप पैर रख के जा रहे हो। चलो गाइज ऐसा करता हूँ मैं इसके टांग के नीचे धमाका करता हूँ, इसकी टांग फंस जाएगी और ये नीचे गिर जाएगा। वाओ क्या मैं भी जीनियस आइडिया लगा रहा हूँ, इसकी टांग देख रहे हो कितना बड़ा है। ओ ओ ओ ओ ये देखो ये गड्ढे में गिरता जा रहा है। ठीक है सर आप अपने आप गड्ढे में गिरते जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं। गाइज मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है मैं इसे कैसे हराऊंगा, ये देखो इसे डैमेज ही नहीं होता। और रुक जाओ हो रहा है डैमेज हो रहा है। हल्क ओपी इन द चैट बॉयज। अरे नहीं नहीं लेकिन मुझे भी डैमेज हो रहा है। रुक जाओ मैं ऐसा करता हूँ। अरे सर आप कहाँ लेजर मार रहे हो, अब क्या पूरा दुनिया को तबाही कर डालोगे? तो गाइज मैं ऐसा कर रहा था क्यों ना मैं इसे उठा के पटकने की कोशिश करता हूँ। ओके ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया, लेकिन मेरे शरीर से खून बहने लगा है। लेकिन गाइज अब बहुत हो गया, इस गॉडजिला के बच्चे ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। तुमड़ी ऐसी की तैसी उतनी देर से मुझे इधर उधर पटक रहे हो, 100 बार तो मुझे कुचल दिया होगा इसने। येलो ये देखो डैमेज भी हो रहा है इसे। गलती की है मिस्टर इपिक डिपिक से पंगा लेके, तो यस फाइनली मेरा ट्रिक काम कर रहा है। रुक जाओ इसके मेन पॉइंट पे मारने की कोशिश करूं क्या? हाँ ट्राई करता हूँ। ओ ओ ओ ओ ये भाई मार दिया, हल्क को मार दिया। यार ये गलत हो गया, मुझे लगा नहीं था हल्क इतनी जल्दी हार जाएगा। गाइज ये गॉडजिला तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला, मेरा हल्क आर्मर भी तोड़ दिया। लेकिन उसने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं उसकी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा और उसे 10 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। गाइज पता नहीं था हल्क आर्मर इतनी जल्दी टूट जाएगा, लेकिन हे बॉय अब उसका सामना होगा आयरन मैन से। अब वो मुझे कुचल ही नहीं पाएगा क्योंकि मैं हवा में उड़ता रहूंगा। तो चलो उड़ा जाए और उस गॉडजिला की वॉट लगाई जाए। गॉडजिला ब्रो आई एम कमिंग, तुम कहीं मत जाएंगे। ओके गाइज तो मुझे गॉडजिला की फिर से आवाज आने लगी, ये देखो ये रहा मेरे सामने। रुक जाओ आयरन मैन की आर्मर की हेल्प से इसका चेहरा तो देखने दो। ये देखो गाइज ये देखो इसकी दांत कितनी पीली है। अरे भैया डेली सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए ना आपको। और दूसरी बात ये लो मेरा हल्क आर्मर क्यों तोड़ा आपने, ये देखो पावर काम कर रहा है आयरन मैन का, ये जमीन के नीचे चला गया। ओके गाइज लगता है आयरन मैन इसके अगेंस्ट जीत सकता है। ये लो सर। अरे भाई इसे तो कुछ डैमेज भी नहीं हुआ। रुक जाओ तो ग्रेनेड लॉन्चर मारता हूँ। येलो ओहो कुछ तो हुआ इसे, कुछ तो हुआ। ये देखो ये गुस्से से लाल हो गया। हाँ बस इतना ही हुआ, तो अब लगता है मेरा वही प्लान काम आएगा, इसके मेन पॉइंट पे मारना पड़ेगा। अश्लील है ये लोंडा। अरे नहीं यार ये आइडिया भी फ्लॉप कर गया। मम्मी ओ भाई क्या खतरनाक अटैक किया इसने मुझ पे। तो गाइज लगता है अब मुझे इसकी आग फोड़नी पड़ेगी। येलो हेडशॉट मारने से भी इसे कुछ नहीं हो रहा है। येलो पार्ट से हेडशॉट। ओके फिर से कुछ नहीं हुआ। यार मैं इसे कैसे हरा हूँ, ये कुछ ज्यादा ही ओपी नहीं हो गया है? किसी भी चीज से इसे डैमेज ही नहीं हो रहा है। रुक जाओ गाइज ऐसे काम नहीं बनेगा, पहले मुझे थोड़ा बहुत कुछ ओपी टूल्स लाना पड़ेगा, तभी मैं इसे जाके हरा पाऊंगा। ओके तो लगता है मैं इनफ दूरी पे आ गया, लेकिन ओपी टूल्स में मैं अब मंगवाऊं क्या? रुक जाओ साथ जार्विस मेरी हेल्प कर पाए। हेलो जार्विस क्या छोटा सा छिपकली मारने के लिए कुछ ओपी टूल्स है क्या? A few minutes later गाइज जार्विस ने मुझे कोई ओपी टूल तो नहीं लेकिन एक ओपी आयरन मैन का सूट दे दिया है। इसकी मदद से फाइनली हम लोग गॉडजिला को हरा पाएंगे। ओके मैं मानता हूँ ये सूट ओपी है, लेकिन इसका मतलब ये क्या, ऐसे स्टाइल मारने की जरूरत क्या थी? तो गाइज अब बहुत हो गया इस गॉडजिले के बच्चे की, अब इसका टकला फूटेगा। यार परेशान करके रख दिया इसने। ये लो तुम्हारा आग जला डालूंगा और अब मशीन गन से मारूंगा और उसके बाद गोला बारूद बरसा दूंगा, इसके बाद इसके चेहरे पे मिसाइल मारने दो। तो गाइज लगता है इसे डिफीट करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस छिपकली को तो मैं किसी भी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।